फ्रेंड्स, मार्जिनल कॉस्टिंग में आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट इज ए पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस। सपोज किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 1000 रुपीज कॉस्ट आई और हमारी जो सेल हुई है वो भी 1000 रुपीज की ही सेल हुई हो, तो ये क्या पॉइंट है? वो पॉइंट है जहां पर ना तो कोई हमें प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई हमें लॉस हुआ है। तो ब्रेक इवन पॉइंट को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज ए पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। हमारी सेल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, यहाँ पर जितनी हमें सेल्स रेवेन्यू अर्न हुआ है वो हमारी टोटल कॉस्ट के इक्वल है। तो इसको हम ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं कि ये हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम रहेगी क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल रहती है जितनी मर्जी हमारी आउटपुट हो। और ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू है, ये सेल्स लाइन कह सकते हैं इसको, और ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है। तो जिस पॉइंट पर टोटल कॉस्ट लाइन और टोटल रेवेन्यू लाइन मीट करें उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे जितनी भी सेल होगी दैट विल बी ए लॉस, कि यहाँ पर हमने अभी अपने एक्सपेंसेस को भी रिकवर नहीं किया, उसके बाद जितनी हमारी सेल होगी वो हमारा प्रॉफिट एरिया होगा क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पर टोटल सेल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो उसके बाद यहाँ हमने अपने सारे एक्सपेंसेस रिकवर कर लिए, उसके बाद जितनी भी सेल होगी उसमें हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट में हम इवन वर्ड क्यों यूज करते हैं कि इट इवनली ब्रेक्स द कॉस्ट एंड रेवेन्यू, इवनली ब्रेक करती है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। तो ब्रेक इवन पॉइंट टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट विच इवनली ब्रेक्स द कॉस्ट एंड रेवेन्यूज, हेंस इट इज कॉल्ड ब्रेक इवन। मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन से हम ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करते हैं? इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ब्रेक इवन में ना हमारे पास प्रॉफिट होता है ना हमारे पास लॉस होता है। तो सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेक इवन is equal to fixed cost plus variable cost. Uses of break-even analysis. Break-even point पर कंपनी के पास ये इंफॉर्मेशन होगी कि कितनी यूनिट्स या कितनी क्वान्टिटी ऑफ सेल्स किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमने कर ली है, जहाँ पर हमें अपनी कॉस्ट रिकवर हो गई है और अब ये प्रोडक्ट प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देगा। It helps to find margin of safety. मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो सेल होती है विच गिव्स अस प्रॉफिट आफ्टर मीटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर कंपनी प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देती है। थर्ड पॉइंट है टोटल प्रॉफिट्स कैन बी कंप्यूटेड। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जितनी भी हमारी सेल होगी तो उसमें हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो इस तरह कंपनी अपने टोटल प्रॉफिट्स किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर कितने अर्न किए हैं उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेक इवन एनालिसिस से हो जाती है। नेक्स्ट है इट ऑल्सो सर्व्स एज ए इनपुट फॉर डिसीजन मेकिंग। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है या उसकी प्रोडक्शन को रोकना है, ऐसे डिसीजंस भी ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू कंपनी ले सकती है। ब्रेक इवन पॉइंट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम इसको यूनिट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं या इसको रुपीज में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ब्रेक इवन पॉइंट को हमने यूनिट्स में कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला है फिक्स्ड एक्सपेंसेस ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? एस माइनस वी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और अगर ब्रेक इवन पॉइंट को हमने रुपीस में कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला है फिक्स्ड एक्सपेंस ओवर पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो स्टूडेंट्स, ये था ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो में हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे।